वेलकम माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल इंस्ट्रूमेंट का जलवा। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैं बताया था कि मैं जो है डीसीएस पैनल में दिखाऊंगा कंट्रोलर कहाँ होता है, लेकिन वीडियो बड़ा होने की वजह से मैं एक सेपरेट वीडियो लाया आप लोगों के लिए कि कंट्रोलर कहाँ होता है, डीसीएस पैनल में कंसोल क्या होता है, एचएमआई क्या होता है, इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन क्या होता है। तो मैं इसके लिए सेपरेट एक वीडियो अभी लेकर आया हूँ। तो इस वीडियो में बने रहे आप और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इंस्ट्रूमेंट का जलवा, जो कि इस वीडियो में काफ़ी इन्फॉर्मेशन है, तो आप सही से वीडियो देखें, स्किप ना करें। ओके दोस्तों, तो चलिए मैं आपको दिखाने वाला हूँ डीसीएस पैनल और डीसीएस पैनल में क्या क्या होता है, कंट्रोलर कहाँ होता है, आयु मॉड्यूल कहाँ होता है, आयु कार्ड कहाँ होता है, मैं आपको सब दिखाने वाला हूँ। तो इसी तरह बने रहे हमारे साथ वीडियो में, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, ये हमारा डीसीएस पैनल है। जैसा कि मैं आपको बताया, मार्शलिंग कैबिनेट, ये हमारा मार्शलिंग कैबिनेट है। ओके, देख सकते हैं आप, यहाँ जेबी से केवल आके सारा यहाँ टर्मिनेशन हो रहा है मार्शलिंग कैबिनेट में। ये हमारा क्या पैनल में स्पेस ज़्यादा था, तो इसलिए सिस्टम कैबिनेट और मार्शलिंग कैबिनेट दोनों एक में कर दिया है। ओके, तो ये देख सकते हैं, ये जो हमारा है ये सारा केवल आ रहा है जेबी से। ओके, जेबी से आके यहाँ मार्शलिंग कैबिनेट में टर्मिनेशन हो रहा है, और इसमें सारा हर टाइप का सिग्नल आ रहा है, एनालॉग इनपुट, एनालॉग आउटपुट जा रहा है यहाँ से, और डिजिटल इनपुट आ रहा है, डिजिटल आउटपुट जा रहा है। ओके, तो हर तरीके का सिग्नल इस केबल में है। और ये देख सकती है दूसरी तरफ, जो है दूसरी तरफ हमारा इंटरनली टर्मिनेशन हो रखा है। ओके, ये देख सकते हैं दूसरी तरफ हमारा जो है इंटरनली टर्मिनेशन हो रखा है। और ये कहाँ होकर जा रहा है टर्मिनेशन, ये जा रहा है हमारा आयो कार्ड में। ओके, या आयो मॉड्यूल में, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल में, ये जो है ये सारा हमारा इंटरनल टर्मिनेशन होके जा रहा है। ओके, तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। कि आयु मॉड्यूल कहाँ होता है, कंट्रोलर कहाँ होता है अलग अलग लोकेशन पे। जैसा मैंने आपको बोला कि डीसीएस में अलग अलग लोकेशन पे कंट्रोलर होता है और एक दूसरे से कनेक्ट होता है नेटवर्किंग के थ्रू। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो ये देख सकते हैं, ये जो इंटरनली है, इंटरनली जो टर्मिनेशन हो रहा है, ये हमारा कहाँ आ रहा है, ये हमारा आ रहा है ये आयु मॉड्यूल में। ये देख सकते हैं आप, ये जो है हमारा ये आयु मॉड्यूल है। ओके, इनपुट आउटपुट कार्ड जो है इसके अंदर है, आयो मॉड्यूल जो है आयो मॉड्यूल के अंदर है। और ये सारा जो है ये इंटरनली टर्मिनेशन होकर जो आ रहा है वो यहाँ आ रहा है। ओके, तो ये जो है सारा टर्मिनेशन होकर इंटरनली यहाँ आ रहा है, यहाँ से फिर अपना ये इलेक्ट्रॉनिक कार्ड के थ्रू जो है ये अपना सारा जा रहा है आयो मॉड्यूल में। ओके, तो ये आयो मॉड्यूल में जा रहा है, देख सकते हैं आप। ये हमारा जो है ये मॉड्यूल है आयो कार्ड, इसमें यहाँ हर तरह के मतलब अलग अलग है, देख सकते हैं आप कितना है, दो तीन है, मतलब जितना रिक्वायरमेंट है एज़ पर रिक्वायरमेंट इधर है। ओके, और ये जो देख सकते हैं यहाँ मैं आपको दिखाया, और ये जो केबल है ये सीरियलिंग थ्रू जो है ये अपना कनेक्ट है, ये कहाँ जा रहा है, जा रहा कंट्रोलर में। ओके, आयो कार्ड है, ये आयो कार्ड से कहाँ जा रहा है, ये कंट्रोलर में। तो चलिए मैं आपको कंट्रोलर दिखाता हूँ। कंट्रोलर जो है ये देख सकते हैं आप, ये हमारा कंट्रोलर है। ओके, ये जो है हमारा कंट्रोलर है, ये कंट्रोलर में यहाँ देख सकते हैं आप सीरियल लिंक के थ्रू ये जो है केबल कनेक्ट है। ओके, ये कंट्रोलर है, कंट्रोलर फिर कमांड कहाँ देगा, कंट्रोलर कमांड देगा फिर आयो कार्ड को। ओके, एंड आयो कार्ड से जो है इंटरनली कनेक्शन जो हुआ है वहाँ से होके जेबी में जाएगा, मैं जो आपको ऑलरेडी दिखाया। तो ये देख सकते हैं कि एक कंट्रोलर है हमारा, एंड एक ये दूसरा ये कंट्रोलर है। ओके, तो अभी देख सकते हैं यहाँ मैंने दोनों अलग अलग लोकेशन पे है, मैं दिखा सकता हूँ आपको, और आप भी देख सकते हैं ये दोनों जो है अलग अलग लोकेशन पे है। ये कंट्रोलर है, एक ये कंट्रोलर है, ये आयो कार्ड है, ये भी आयो कार्ड है, मॉड्यूल है। तो इस तरह का अलग अलग लोकेशन पे होता है, ये सब सीरियलिंग केबल के थ्रू एक दूसरे से कनेक्ट है। ओके, नेटवर्किंग के थ्रू। तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है ये हमारा डीसीएस का व्यू है। ओके, और ये जो है ये पीएसयू है, पावर सप्लाई यूनिट, जैसा कि मैं आपको बताया एक कन्वर्टर है। ओके, रेक्टिफायर इसके अंदर है, जैसा कि यहाँ आप देख सकते हैं इनपुट, यहाँ आप पढ़ सकते हैं इनपुट 100 to 240 वोल्ट। ओके, एसी इनपुट, एसी, और आउटपुट क्या है हमारा,
डीसी 24 वोल्ट। ओके, तो ये हमारा जो है ये दो अपना कन्वर्टर है स्टैंड बाय के लिए, एक यूज़ होता है दूसरा स्टैंड बाय के लिए होता है। ओके, तो ये मैं दिखाया आपको, ये अपना डीसीएस का व्यू है, ये जो है इस तरीके से रहता है हमारा। ओके, और चलिए मैं अब आपको दिखाता हूँ कि जो कंसोल होता है, जो इंजीनियरिंग यूनिट होता है, वर्क स्टेशन होता है, वहाँ किस तरह होता है, मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो बने रहे हमारे साथ वीडियो में, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, और दूसरे को भी इन्फॉर्मेशन दें, इस बारे में जानकारी दें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें इंस्ट्रूमेंट का जलवा। तो चलिए मैं आगे आपको दिखाता हूँ वर्क स्टेशन पर। जैसा कि फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये जो है मोनिटर, इस तरीके का मोनिटर होता है, दो या तीन जितना भी हो, मतलब हर स्टेशन पे अलग अलग जो है मोनिटर होता है, देख सकते हैं आप, इसे बोलते हैं कंसोल। ओके, कंसोल या इंजीनियरिंग वर्क स्टेशन या फिर HMI, ओके, जो बोलते हैं। तो जैसा कि देख सकते हैं आप, मैं आपको ऑलरेडी बताया, कीबोर्ड होता है, माउस होता है। ओके, और ये जो हमारा सिस्टम है मोनिटर, चलिए आप थोड़ा मोनिटर पे फोकस करिए, मैं आपको कुछ बताता हूँ कि देख सकते हैं आप जिस तरह ये ब्लॉक में बना हुआ है, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम जो मैं आपको बताया, प्रोग्रामिंग होता है या फिर लॉजिक बनता है, यहाँ देख सकते हैं ये सारा जो फंक्शन है ये ब्लॉक में बना हुआ है। ओके, जैसा कि मैं आपको दिखा पा रहा हूँ, ये सारा आप मेरे जो है ये माउस के एरो को फॉलो करें और इसे देखें, मैं बता रहा हूँ आपको, देख सकते हैं, जैसा कि ये लॉजिक है, ये एक स्मोक डिटेक्टर का लॉजिक है। ओके, इसमें क्या लॉजिक है मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये जो है स्क्रूल को आप ध्यान से देखें, मेरा माउस के एरो को। ओके, ये जो FB है, FB मीन्स क्या, फंक्शन बॉक्स। ओके, फंक्शन बॉक्स, तो इस बॉक्स के अंदर में भी लॉजिक हमारा बना हुआ है। तो चलिए मैं इस बॉक्स को ओपन करके मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह लॉजिक है। ये देखिए, मैंने ओपन किया तो इसके अंदर ये लॉजिक बना हुआ है, जो FB के अंदर, फंक्शन ब्लॉक के अंदर। तो फंक्शन बॉक्स बोलिए या फंक्शन ब्लॉक बोलिए, तो उसके अंदर में ये बना हुआ है लॉजिक। ओके, तो चलिए मैं आपको ये लॉजिक थोड़ा समझाने का कोशिश करता हूँ। तो जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे क्या, दो इनपुट है। ओके, दो इनपुट A और B, आप मेरा जो है माउस के एरो को फॉलो करें और मेरी बातों को ध्यान से सुने। ओके, तो ये A और B, ये क्या, ये दो इनपुट है। ओके, इनपुट वन, ये जो है अपना ये नॉर्मल है, जो नॉर्मल रहता है इंस्ट्रूमेंट नॉर्मल कंडीशन में। ओके, तो ये कहाँ आ रहा है, यहाँ आप देख सकते हैं, इस एरो को आप इस लाइन को फॉलो करें तो यहाँ आके ये एंड गेट में हो रहा है। ओके, एंड गेट में रुके, देख सकते हैं आप, मैंने जो बोला लॉजिक, ये लॉजिक देख सकते हैं आप, यहाँ सिंबल एंड का सिंबल बना हुआ, यानी ये एंड गेट लॉजिक है। ओके, और ये जो है ये और गेट लॉजिक है। ओके, तो चलिए मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये जो आ रहा है ये यहाँ के क्या हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है। ओके, ज़ीरो यानी नॉर्मल। ओके, यहाँ देख सकते हैं आप, ये जो है ये नॉर्मल हो रहा है, ज़ीरो हो रहा है, ये मतलब डिवाइस जब नॉर्मल रहेगा तो ये ज़ीरो रहेगा यहाँ नॉर्मल। ओके, मैं आपको ऑलरेडी बताया A और B, ये जो है A और B, ये क्या, ये इनपुट है। ओके, और C और D क्या है, ये आउटपुट है। सी में आप देख सकते हैं कि फॉल्ट, ओके, सी में जो है फॉल्ट शो हो रहा है, एंड डी में फायर अलार्म। ओके, तो ये कब एक्टिवेट होएगा, ये एक्टिवेट होएगा जब हमारा इनपुट पे डिपेंड करता है, मैं ऑलरेडी बताया इनपुट पे डिपेंड करता है हमारा ये जो लॉजिक है, आउटपुट इनपुट पे डिपेंड करता है। ओके, तो इनपुट क्या दे रहा है हमारा ए, मैं ऑलरेडी बताया जो हेल्थी मिलेगा यानी नॉर्मल मिलेगा, और ज़ीरो एंड पे आके रुका हुआ। ओके, यानी और यहाँ पे जो है ज़ीरो हो रखा। ओके, यहाँ पे एंड है, एंड गेट है, यानी अगर दोनों हाई होगा, यहाँ देख सकते मेरा जो है ये माउस का एरो, ये जो है ये एंड ये दोनों में से जो है ये दोनों नॉर्मल रहेगा और ये भी हाई होगा, तो हमारा डी हाई हो जाएगा यानी फायर अलार्म होगा। कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, ये तो हमारा ए से डिवाइस नॉर्मल रहेगा, एंड ये बी में क्या दे रखा है आप देख सकते हैं, बी में दो तीन ऑप्शन दे रखा है, 22 mA एंड 3 mA एंड 12 mA। ओके, तो ये क्या दे रखा है कि जब अगर हमारा 22 mA हो, ओके, या फिर यहाँ भी देख सकते हैं
टू मिलियम्स आके फिर ये कहाँ पर रुक रहा है, और गेट पे, ओके, और गेट पे, यानी दोनों में से कोई एक, या तो 22 मिलियम्स हो या फिर 3 मिलियम्स, ओके। ये 3 मिलियम्स जब होगा तो ये जाएगा एंड गेट पे, और एंड गेट पे जाने के बाद ये आपको पता है इंस्ट्रूमेंट हमारा जो है पहले से नॉर्मल होना चाहिए, तो है। फिर ये जब जाएगा ये 3 मिलियम्स होगा तो एंड गेट पे जाएगा, एंड गेट क्या करेगा फिर इसको और गेट को कमांड देगा, ओके। और गेट में क्या है, दोनों में से कोई एक, या तो 22 मिलियम्स आए या फिर 3 मिलियम्स आए, दोनों में से कोई एक आएगा और गेट के लिए, तो ये क्या करेगा, ये जाके फॉल्ट जनरेट करेगा, ओके, सी को हाई करेगा, आउटपुट को हाई करेगा, ओके। देख सकते हैं आप यहाँ पे और गेट है, यानी लास्ट में एंडिंग में यहाँ और गेट है। अगर दोनों में से कोई हाई हुआ, या तो 22 मिलियम्स मिला इसको या फिर 3 मिलियम्स मिला, 22 के नीचे मिलेगा तो फॉल्ट शो नहीं करेगा, और 3 मिलियम्स के ऊपर मिलेगा तो फॉल्ट शो नहीं करेगा। या तो 3 मिलियम्स के नीचे हो या 22 मिलियम्स के ऊपर हो, ओके। तो ये दोनों में से अगर कोई मिला तो ये क्या होएगा, ये आउटपुट को हाई कर देगा, ओके। और गेट है तो ये दोनों में से कोई एक मिलेगा तो आउटपुट को हाई करेगा, और आउटपुट क्या करेगा, आउटपुट जब हाई होगा तो यहाँ देख सकते हैं आप आउटपुट क्या है सी में, मेरे माउस को एरो को देखे, आउटपुट के सी में क्या है, फॉल्ट है, ओके। तो ये क्या करेगा, फॉल्ट हो जाएगा। फॉल्ट जब शो होएगा, जब ये फॉल्ट हुआ तो यहाँ देख सकते हैं यहाँ से भी एक जो है कनेक्शन ये आ रहा है अपना लॉजिक का एंड गेट पे, ओके, एंड गेट पे आ रहा। और जब ये एंड गेट पे आएगा तो ये नॉर्मल तो जो है नॉर्मल रहेगा, और ये फिर जो है अपना 22 मिलियम्स या 3 मिलियम्स आके ये हाई होगा, तो ये जो है दोनों जब एक जैसा होएगा, एंड गेट है तो दोनों जब होएगा तो ये क्या करेगा, डी को हाई कर देगा, यानी फायर अलार्म हाई हो जाएगा, ओके। फायर अलार्म यानी ऑन हो जाएगा, फायर अलार्म बजने लगेगा, जो भी हुटर लगा हो या साउंडर लगा हो वो एक्टिवेट हो जाएगा। तो उसी तरह देख सकती है थर्ड क्या, ये 20 मिलियम्स यानी जो एक्चुअल वैल्यू जो हमारा स्मोक का मिलेगा 20 मिलियम्स के आसपास मिलेगा, ओके, यानी 20 मिलियम्स के ऊपर मिलेगा, 22 मिलियम्स के नीचे मतलब मिलेगा अलार्म के लिए 22 मिलियम्स के ऊपर, यानी फॉल्ट है, हाई फॉल्ट। तो 12 मिलियम्स एंड 20 मिलियम्स के बीच में जब मिलेगा, यानी 13 मिलियम्स मिले, 14 मिलियम्स मिले, तो ये क्या करेगा, यहाँ देख सकते हैं आप जो है और गेट है, यानी या तो फिर ये तीनों में ये 22 मिलियम्स या 3 मिलियम्स या फिर 12 मिलियम्स, तीनों में से किसी को अगर मिलेगा, यहाँ और गेट है, ये दोनों में से तीनों में से कोई भी एक मिलेगा तो ये क्या करेगा, ये सेट करेगा, ओके। तो देख सकते हैं आप ये जो है ये सेट जो लैचिंग एंड लैचिंग बोलते हैं वो यहाँ से होता है, सेट और रीसेट, ओके। तो ये सेट करेगा, जब सेट करेगा तो ये क्या होगा, ये अलार्म देगा, ओके। अलार्म देगा तो ऑलरेडी यहाँ देख सकते हैं आप 22 मिलियम्स 3 मिलियम्स का मैं बताया, ये आके यहाँ पर रुका हुआ रहेगा एंड गेट पे, और फिर हमारा 12 मिलियम्स का भी सिग्नल एंड गेट पे मिल जाएगा, और ये फिर फायर अलार्म एक्टिवेट हो जाएगा, ओके ओके। तो ये जो है ये फायर अलार्म जो है एक्टिवेट हो जाएगा, यानी यहाँ लॉजिक बनाया हुआ है, यहाँ लास्ट में आप देख सकते हो और गेट का लॉजिक है, ये क्या बोल रहा है और गेट का लॉजिक, कि या तो 22 मिलियम्स मिले या फिर 3 मिलियम्स के नीचे मिले, या 22 मिलियम्स के ऊपर मिले, या फिर 12 मिलियम्स के ऊपर मिले, ओके। ये तीनों में से अगर कोई भी मिलेगा तो ये और गेट लॉजिक जो है हाई होगा, ये जाके अपना इधर जो है लैचिंग एंड लैचिंग सेट एंड रीसेट का, यहाँ से अगर मिलेगा, अगर 12 मिलियम्स के ऊपर मिलेगा तो ये सेट होगा और आउटपुट देगा, तो एंड गेट में ऑलरेडी यहाँ पर आके एक रुका हुआ है तो फिर ये हाई होगा, तो ये दोनों जाके फिर आउटपुट को हाई कर देगा, ओके। तो ये जो है फायर अलार्म बजने लगेगा और हुटर जो है एक्टिवेट हो जाएगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने आपको लॉजिक ऐसा दिखाया, इस तरीके का जो है हर लॉजिक बना हुआ होता है, चाहे किसी भी ट्रांसमीटर का हो या कंट्रोल वाल्व का हो या ESD वाल्व का हो, ठीक है, और या तो फिर ट्रांसमीटर कोई सा भी हो, PT LT FT TT किसी भी तरह का जो भी इंस्ट्रूमेंट हो, सबका यहाँ लॉजिक ऑलरेडी बना हुआ होता है, और मैं और आपको लॉजिक दिखाऊँगा, जैसा कि ये अलग लॉजिक है, यहाँ देख सकते हैं हर किसी का अपना अपना लॉजिक है, किस तरह कौन हाई होगा, क्या इनपुट आएगा तो क्या आउटपुट हाई होएगा, ओके। तो देख सकते हैं आप ये सारा लॉजिक बना हुआ होता है,
तो मैं आपको DCS पे दिखाया, इस तरह का लॉजिक होता है, ब्लॉक डायग्राम होता है, प्रोग्रामिंग किया जाता है। तो चलिए इसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ हार्ड पेपर यानी हार्ड कॉपी पे जो है किस तरह FBD जो होता है फंक्शन ब्लॉक डायग्राम किस तरह होता है, वो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो इसी तरह आप मेरे साथ वीडियो में बने रहे और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और कुछ अगर इन्फॉर्मेशन चाहिए इससे आगे भी तो मैं आपको बिल्कुल देने का कोशिश करूंगा। तो हमारे वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताएं वीडियो कैसा लगा आपको, और कुछ पूछना चाह रहे हो या कुछ बताना चाह रहे हो तो बिल्कुल आप हमें कॉमेंट करें। किसी और चीज़ पर वीडियो आप अगर नेक्स्ट देखना चाहते हैं तो वो भी हमें बिल्कुल बताएं, मैं उस चीज़ का भी जो है वीडियो बनाने का कोशिश करूँगा। तो चलिए आज अब मैं आपको हार्ड कॉपी हार्ड पेपर पे जो है मतलब मैं आपको दिखाता हूँ कि FBD कैसा होता है, फंक्शन ब्लॉक डायग्राम कैसा होता है। ओके, तो इसी तरह आप मेरे साथ बने रहे वीडियो के लिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए और भी बनाऊँगा, जो आपको रिक्वायरमेंट हो, जो आपको मतलब वीडियो आपको चाहिए तो बिल्कुल कॉमेंट करें हमारे वीडियो पर। तो देख सकते हैं फ्रेंड्स, यह हमारा जो है FBD है हार्ड कॉपी में फंक्शन ब्लॉक डायग्राम। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ ऑलरेडी लिखा है इनपुट आउटपुट फंक्शन सिंबल, तो ये सब जो है ये सिंबल है। ओके, तो मैं और आपको आगे दिखाता हूँ, यहाँ भी देख सकते हैं आप, ये भी है जो ये भी सिंबल है। यहाँ देख सकते हैं आप मैनुअली ऑपरेटेड वाल्व, मैनुअली ऑपरेटेड कंट्रोल, मैनुअली ऑपरेटेड कंट्रोल, ये सारा जो है ये सिंबल है। यहाँ देख सकते हैं ऑटोमेटिक रीसेट, ये सारा जो सिंबल है। ओके, मैं आगे आपको दिखाता हूँ, यहाँ देख सकते हैं आप, ये मैं आपको ऑलरेडी वहाँ बताया, यहाँ देख सकते हैं आप ये एंड गेट का सिंबल है, ये हमारा और गेट का, मैं वहाँ आपको बताया ऑलरेडी और गेट का एंड गेट का। तो ये देख सकते हैं आप, ये नैंड गेट का सिंबल है ये। ओके, ये नॉर गेट का सिंबल। ओके, यहाँ डिस्क्रिप्शन सब होता है, ये रिमार्क होता है, यहाँ क्या लॉजिक होता है, यहाँ डिस्क्रिप्शन भी ऑलरेडी लिखा हुआ होता है, यहाँ डिस्क्रिप्शन क्या है नहीं है। ओके, एज पर रिक्वायरमेंट जो भी होता है अपना क्लाइंट का उसके हिसाब से होता है। यहाँ देख सकते हैं आप, ये रीसेट का सिंबल है। तो इस तरह जो है अपना फंक्शन ब्लॉक डायग्राम देख सकते हैं, वॉल्व मॉनिटरिंग ब्लॉक, वॉल्व मॉनिटरिंग ब्लॉक, इस तरह जो है ये वॉल्व का ये सारा, ये देख सकते हैं ब्लॉक डायग्राम है ये सारा ब्लॉक में। तो इस तरह जो है अपना फंक्शन ब्लॉक डायग्राम होता है। ओके, तो इसी तरह हमारे साथ जो है बने रहे नेक्स्ट वीडियो में। किस तरह का आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए, किस चीज़ पे चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आप लोगों के लिए वो वीडियो लाने का कोशिश करूंगा और आपको समझाने का कोशिश करूंगा। तो ये तो था DCS के बारे में, DCS क्या है, किस तरह लॉजिक होता है, किस तरह उसमें फंक्शन ब्लॉक डायग्राम बनता है, मैं ऑलरेडी आपको दिखा चुका हूँ। यहाँ देख सकते हैं आप DCS का है ये जो है अपना सारा ब्लॉक डायग्राम, और किस तरह काम करता है मैंने आपको वो भी लॉजिक में ऑलरेडी बताया। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा हो सके और भी अपने फ्रेंड्स लोग को, दोस्त लोग को सब समझाने का कोशिश करें, कुछ नॉलेज लेने का कोशिश करें। तो चलिए मिलते हैं कुछ नेक्स्ट वीडियो में, तो कमेंट ज़रूर करें किस तरह का वीडियो आपको चाहिए, मैं आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। तो जब तक के लिए देखता हूँ क्या होता है नेक्स्ट वीडियो, तो मैं आऊँगा कुछ नेक्स्ट लेके आपको इन्फॉर्मेशन लेकर आऊँगा नेक्स्ट वीडियो के लिए। तो चलिए जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, अपने आसपास का ख्याल रखें और साफ़ सफाई पे बिल्कुल ध्यान दें। ओके, चलिए तब तक के लिए बाय।